गाइस और आपके साथ हूँ मैं खबर स्विंग। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है बाबर आजम को लेकर, जहाँ पर पाकिस्तान बनाम न्यूजीलैंड के बीच खेला जा रहा था दूसरे टेस्ट मैच, पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन का हाल। और आज यहाँ पर बाबर आजम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ एक बेहतरीन पारी का नज़ारा पेश किया। जितनी तारीफ की जाए बाबर आजम की उतनी कम है, क्योंकि आज यहाँ पर न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में बाबर आजम ने बनाए हैं 161 यानी कि 161 रन। बड़ी बात यह है कि दोहरा शतक बनाने में नाकामयाब रहे, तो दूसरी ओर सरफराज अहमद ने भी अच्छी पारी खेली और 86 रन बनाए। इन सब के बीच पाकिस्तान का जो स्कोर है वो पहुंच चुका है 320 रन 6 विकेट के नुकसान पर। क्या पाकिस्तान 400 का आंकड़ा पार करने में कामयाब होगी या नहीं, ये एक है बड़ा सवाल। तो करो वीडियो या लाइक शेयर सब्सक्राइब, मिलते हैं नई वीडियो में एक नई खबर के साथ। आपके साथ हूँ मैं खबर सिंह। कौन बेस्ट प्लेयर है, बाबर आजम या विराट कोहली?